चुम और विवियन के बीच हुई खतरनाक लड़ाई, शिल्पा शिरोदकर ने किया चुम का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के लाइव फीड में हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर चुम जो है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है विवियन डिसेना के ऊपर, पर ये लड़ाई ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं हुई थी। उधर से विवियन सबसे पहले आते हैं और चुम से बोलते हैं, चुम चलो हम लोग लड़ाई करते आपस में। एक प्लानिंग के तहत वो दोनों लड़ाई की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर इसके पीछे का जो प्लान था वो था, विवियन कहते हैं कि चुम अगर मैं और तुम अगर लड़ाई करते हैं तो हम मेरे को जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जैसे कि रजत और चाहत जो है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो अगर चुम हम मैं और तुम अगर लड़ाई करेंगे ना तो उनका ध्यान जो है वो मेरे ऊपर से हट कर हमारे लड़ाई पर आ जाएगा, और उनका मतलब ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक जाएगा। और इसलिए यहाँ पर विवियन उधर से आते हैं और चुम से लड़ाई के लिए ये प्लान बनाते हैं, और तभी अचानक से चुम बीच कन्वर्सेशन में ही चिल्लाने लगती है विवियन डिसेना के ऊपर। पर विवियन बोलते हैं, अरे रुक जा अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। पर चुम भाई रुकने का नाम ही नहीं लेती है। चुम बोलती है, अभी तुम्हें नहीं पता मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, अभी तुम देखते जाओ बस मैं अभी क्या क्या कांड करके दिखाती हूँ तुम्हें। और यहाँ पर चुम बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है विवियन डिसेना के ऊपर, वो जोर जोर से चिल्ला कर लड़ने लगती है विवियन डिसेना से, और विवियन भी उधर से रिप्लाई करते हैं, लड़ाई करने जैसा एक्टिंग करने लगते हैं। तभी उधर से शिल्पा शिरोदकर भी एंट्री मार देती है उनके कन्वर्सेशन में, और यहाँ पर शिल्पा शिरोदकर जो है वो चुम का सपोर्ट करती है कि चुम तुम बिल्कुल सही बोल रही हो चुम, ये विवियन ही बहुत ही ज़्यादा गलत है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये लोग चिल्ला कर लड़ने लगते हैं, और कहीं ना कहीं उधर रजत लाल बेचारे उधर रहते हैं, उधर दूर में होते हैं, पर जैसे वो इन दोनों को लड़ते देखते बार बार वो मुड़ कर देखने लगते हैं, और कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है वो अट्रैक्ट होता है विवियन डिसेना और चुम की इस लड़ाई पर। वहीं चाहत भी इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाने लगती है, उन्हें चाहत को भी ऐसा लगता है कि दोनों के बीच लड़ाई हुई, चलो कुछ तो हुआ, दोनों के बीच फाइट हो गई, मज़ा आ गया। ऐसे करके रजत लाल और चाहत पांडे भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं इनकी लड़ाई में, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इनके बीच में सच में लड़ाई हुई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये लोग एक्टिंग कर रहे थे। और जानबूझकर रजत लाल और चाहत पांडे और बाकी लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे थे अपने इस प्लान में। फिलहाल दोस्तों, आपको इनका प्लान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।